कैरेक्टर चूज करता हूँ। सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे होगे स्टार्टिंग में स्क्रीन पे जो जाड़िया दिख रहा था बस वही जाड़िया कैरेक्टर मैंने चूज किया होता है। सो गाइस यहाँ पे सीन ऐसे चल रहे होते हैं कि कहाँ जाना है भाई, कहाँ जाना है, ऐसे सब मैं मेरे टीममेट के साथ डिस्कस कर रहा होता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मैं किसी और जगह लेके जा रहा हूँ, तो और मेरा टीममेट बोलता है कि नहीं भाई जाएंगे तो कल टाउन ही जाएंगे, नहीं तो कहीं और नहीं जाएंगे। तो बस गाइस वही बस कल टाउन पे जा रहे होते हम लोग, और स्कल टाउन पे ना मतलब उसको एक अलग सी वाइब भी आती है, इसलिए ना वो हमेशा बोलता है कि स्कल टाउन ही चलेंगे क्योंकि उसको उसकी दोनों फेवरेट गन्स मिल जाती है। पर सीन मेरे साथ होते कि मेरे को दोनों फेवरेट गन्स नहीं मिलती। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो ये झाड़िया कुछ ऐसा दिखता है, कुछ सुमो पहलवान टाइप पूरा उसका ऐसा बनाया गया ये कैरेक्टर, उसको जैसे सुमो कैसे ऊपर चोटली होती है छोटी सी, बस इसको भी ऐसी चोटली दी होती है। बस गाइस मैं ये पहली बार कैरेक्टर यूज कर रहा था ये गेम में, तो मैं मेरे टीममेट से यही बोल रहा था कि रिग्रेट हो रहा था गाइस मेरे को कि मैंने क्यों सिलेक्ट नहीं किया। मैं मेरे टीममेट को यही बता रहा था कि यार मेरे को ना मेरा ऑक्टेन कैरेक्टर मिला नहीं और ये झाड़िया सिलेक्ट करना पड़ा, और मैं बोलता रहा कि भाई ये स्पीड में भागता भी नहीं। पर गाइस इसकी भी बहुत ही अच्छी स्पेशलिटी है कि ये जब गोलियां चलाता है ना, जब फायर करता है किसी एनिमी पे, तब अपनी लेफ्ट हैंड की जो शील्ड है वो ओपन करता है और उसके ऊपर अपना गन रख के चलाता है। तो गाइस वही मैं चेक कर रहा था कि ये कैसे चलता है और कैसे वर्क करता है। सो गाइस वही ऑब्जर्व कर रहा था मैं कि क्या सीन है और क्या नहीं। तो गाइस यहाँ पे मेरे को ना मेरी दोनों गन में फेवरेट गन्स में से एक गन जो मिल जाती है वो है हैवको राइफल। हाँ गाइस मेरे को हैवको राइफल इजीली मिल जाती है कहीं से भी, पर दिक्कत तो वहाँ पर जाती है कि डिवोशन जो एलएमजी जो मेरी और भी नेक्स्ट लेवल फेवरेट गन है वो अभी तक मिली नहीं होती, और कभी कभी मिलती भी नहीं है। और जिस दिन मिल जाती है ना उस दिन मैं किल्स भी अच्छे खासे निकाल देता हूँ, जैसे 15 किल हो गए, 16 किल हो गए। सो गाइस अभी भी किल निकालने का ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जितना बने उतना। सो गाइस मैं मेरे टीममेट को बोलता हूँ कि भाई बहुत ही लूट होकर मेरे को जो गन मिली है वो कुछ एसएमजी टाइप गन है, वो मेरे को चेंज करनी है और वो मेरे को चाहिए नहीं। अगर कोई तेरे को अच्छी गन मिले तो मेरे को बताइए, बस वही मैं बता रहा था उसको। सो गाइस यहाँ पे मेरे को एनर्जी शील्ड्स मिल जाते अच्छे खासे, वो जो पर्पल पर पिंक पिंक कलर का था वो भी एक गाइस एनर्जी, वो भी एक टाइप का एनर्जी शील्ड है जो नेक्स्ट लेवल पे प्रोटेक्शन देता है। सो गाइस यहाँ पे एक और बार मेरे साथ सीन हो गया कि मैं एक ही घर में भाभी जा जाता हूँ, क्योंकि गाइस मेरे को ना स्कल टाउन पे बहुत बहुत दिक्कत हो जाती है, मैं एक ही घर में 3-4 बार घुस जाता हूँ, बाद में रियलाइज होता है कि भाई इधर अभी तो आया था वापस। सो गाइस देख पा रहे हो ना आप, मेरा टीम मेट इधर लूट के गया और गाइस मेरे को स्क्रीन पे फुटस्टेप दिखे तो मैं पीछे गन लेके भाग रहा था कि भाई कहाँ पे बंदा और कहाँ पे छुप के बैठा। सो गाइस उसको ढूंढने के लिए निकला और मेरे को अभी तक मिल नहीं रहा था, और मैं पूरा ढूंढने का ट्राई करता हूँ कि भाई ये गया था। मैं मेरे टीममेट को आवाज़ देता हूँ कि भाई ये मिल नहीं रहा, कहाँ चला गया, तेरे बाजू आया क्या। तो गाइस मेरा जो टीममेट है स्कल टाउन पूरा लूट के भाग गया। सो गाइस हमने लास्ट में देखा स्क्रीन पे कैसा इंटरफेस होता है, जैसे मैं फायर का दबाता हूँ वैसे देखो गाइस ये शील्ड ओपन करके ये जो देखो शील्ड के ऊपर, हाँ जो लेफ्ट हैंड हाथ में उसका जो पुट्ठा जैसा लगा हुआ है ना उसके ऊपर गन रख के मारता है, पूरा लॉक होता है, उसका गन भी लॉक होता है और पूरा शील्ड भी लॉक होता है और फिर गोलियाँ छूटती है। सो गाइस यहाँ पे मैं उसके पेटी शेटी लूट रहा हूँ, तो गाइस मैं उनकी सभी एनिमीज की पेटियों में यही देखता हूँ कि ग्रीन कलर की एमओ भी है कि नहीं। सो गाइस यहाँ पे मेरे को ना डिवोशन एलएमजी मिलती नहीं है, तो मैं दोनों की दोनों हैव को राइफल उठा लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे एक और चीज हो जाती है कि एक में स्कोप अच्छा मिलता है और एक में स्कोप जो सादा वाला स्कोप होता है वो ही रहता है। तो गाइस ये गन में भी सीन ऐसा है कि जैसे कैसे कॉल ऑफ ड्यूटी में कैसा डायरेक्ट ही स्कोप लगा रहता है, एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन वाला स्कोप पहले से लगा रहता है। हाँ तो इसमें भी ऐसा ही कि जब तक आपको स्कोप ना मिले ना तब तक एक स्कोप आपको परमानेंटली पहले से ही मिलता है। सो गाइस यहाँ पे मैं अपने एनर्जी शील्ड्स पूरे चार्ज करके ये झाड़े को भगाता हूँ अच्छे खासी स्पीड में।
क्योंकि जाड़े की स्पेशलिटी नहीं है भागने की, तो इसलिए मैं इसकी शील्ड अच्छे खासे चार्ज कर लेता हूँ और भागता हूँ और अच्छी खासी स्लाइड भी कर लेता है, पर इतना लॉन्ग टॉक नहीं करता था मेरे ऑक्टन कैरेक्टर की तरह। हाँ गाइस, ये चीज मैंने देखने को नोटिस की कि ये कुछ कोई भी पहाड़ी इजीली चढ़ जाता है। हाँ गाइस, मैंने लास्ट के वीडियो में ये भी बताया था बेंगलोरी कैरेक्टर जो था बंगालोरी, हाँ गाइस वो भी अच्छे खासे मतलब यहाँ से डायरेक्ट अपने फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर के हाउस में जाना होने तो भी फर्स्ट फ्लोर के हाउस में भी वो डायरेक्ट लटक के ऊपर चढ़ जाती थी। हाँ कैरेक्टर वैसा था। सो गाइस, यहाँ पे मैंने पूरे सब कैप्सूल चार्ज कर दिए हुए थे, पूरे मतलब रिलीज कर दिए होते मैंने और मेरे टीममेट ने, वो रिलीज करने की वजह से मैं यहाँ पे क्राफ्ट कर पाता। सो बस मैं यहाँ पे अपना जंतर मंतर कोर बोर्ड डाल के चीज निकाल ही रहा होता तो मेरे स्क्रीन पे ना फायर का आ जाते। तो गाइस यहाँ पे मैं पूरे मेरे टीममेट को बोलता हूँ और ये बंदे को गिरा देता हूँ, मेरे को पता चल जाता है कि यहाँ पे एनिमी है। तो गाइस आप देख पा रहे हो मतलब कुछ ऐसी चीज है जैसे कि अपने ना अपने ग्रिप लगाते थे BGM और पबजी में, वैसे इसमें भी ग्रिप लगती है और ग्रिप लगने पे क्या होता है कि इसके अंदर ब्लू ब्लू एनिमेशन होता है जब रिलोड करता है। सो गाइस ये रोबोट भी उसी का टीममेट था जो लास्ट में मैंने बंदा मारा, बस तो उसी की पेटी शेटी लूट के मैं जाता हूँ वापस अपना क्राफ्टिंग करने। सो गाइस मैं वहाँ पे कंप्यूटर के वहाँ पे जा ही रहा होता हूँ कि भाई मैं भूल जाता कि मैंने क्या क्राफ्ट करने के लिए ला रहा था और फिर याद आता कि भाई मैंने तो कुछ क्राफ्ट ही नहीं किया। सो गाइस यहाँ पे मैं अपना जंतर मंतर कोड बोर्ड डाल के यहाँ पे कुछ ना कुछ मंगा लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे लोड हो रहा है, क्राफ्टिंग हो रहा है, तब तक मैंने सोचा चलो एनर्जी शील्ड चार्ज कर लेता क्योंकि वो जो दो बंदे मिले थे एक रोबोट और वो लास्ट में जो एनिमी था उसने अच्छा खासा डैमेज दिया होता है मेरे को। सो गाइस यहाँ पे मैं बहुत सारी एमो मंगाता हूँ क्योंकि मेरे पास दोनों हैंक और राइफल होती है। सो गाइस यहाँ पे मैंने एक और बार एक और चीज़ क्राफ्टिंग के लिए डाल दी होती है और वो चीज़ होती है एनर्जी शील्ड्स। सो गाइस एनर्जी शील्ड्स पूरे चार्ज होने के बाद में ये पूरा क्राफ्टिंग करता हूँ, एनर्जी शील्ड्स वापस मंगाता हूँ क्योंकि बहुत ही जरूरत पड़ती है। और एक और बार कोड डाल के मैं सोचा कि चलो अभी एनर्जी शील्ड एमो तो मंगा ली तो अब मेडिकेट मंगाते। तो गाइस कंफ्यूजन बहुत हो जाता है यहाँ पे, इसलिए मेरे को टाइम लगता है कि क्या मंगाऊँ और क्या नहीं मंगाऊँ। सो गाइस लास्ट में मैंने मेडिकेट मंगा लिया होता है। हाँ गाइस इसमें भी जो नेक्स्ट लेवल फ्यूचर में मूवीज में जो बताते हैं ना कि मेडिकेट कैसे मारते हैं बंदे डायरेक्ट ही, वो जो जंतर बंतर वाला इंजेक्शन होता है बस वैसे एंड्रेलिन होता है इसके अंदर भी। सो गाइस वही लेने के बाद और वो करने के बाद यहाँ पे मैं पूरा सब भागता हूँ। सो गाइस मैं भागता हूँ जोन में भागता हूँ, मैं मेरे टीममेट को बोलता हूँ कि चल भाई वाइट बुलबुले में जाना है, तो बस वही वाइट बुलबुले में हम लोग भाग रहे होते हैं। तो गाइस मेरा टीममेट तो मेरे को रख के भाग जाता है, पता नहीं उसको क्या हो गया, वो भी शायद से ग्रीडी हो जाता है कि उसको भी ये हो जाता है कि मैं भी अच्छे खासे किल निकालूँ। तो गाइस यहाँ पे हम दोनों में कॉम्पिटिशन लगा रहता है कि भाई कौन ज़्यादा किल करेगा। सो गाइस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो गए लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर जहाँ पे गोल्डन कलर का वन पीस का जो कैसा सिंबल है वन पीस का जो लूफी है वैसा कैसा गोल्ड कलर का उसका जो आता है बस वैसा ही यहाँ पे चमक रहा होगा। तो गाइज मैंने ना अभी मेरे टीम में जितने भी किल किए उन सबसे ज़्यादा किल किए करते हैं, जब तुम तुम्हारे टीम में से जब सबसे ज़्यादा किल करते हो तब आपका वो गोल्ड कलर का चमकता है। सो गाइज यहाँ पे ना मैं बहुत ही किल निकालता क्योंकि गाइस ये झाड़े की एबिलिटी जो थी वो बहुत अच्छी थी। हाँ गाइस ये झाड़े का नाम मेरे को पता नहीं, पर मेरे को ऑप्शन आया कि चलो झाड़ियाँ सिलेक्ट करना है, मैं मेरे टीममेट से भी बोला कि झाड़िया कैसा रहेगा लू या ना लू, तो टीममेट बोलते एक बार ट्राई करने में क्या ही अर्ज है। तो गाइस वही ट्राई कर रहा होता हूँ। सो गाइस मेरे को ना मतलब अच्छा बेनिफिट मिल जाता है झाड़िया कैरेक्टर यूज करने से। सो गाइस यहाँ पे मैं ये झुंझरू फुंझरू लेके देखता हूँ कि ये ब्लेड चीज है क्या, ये क्या यूज आता है। तो गाइस ये कुछ बम की तरह यूज होता है, मतलब पहले फेंकने का चकड़े की तरह वो जैसे नेरटो कैसा अपना सारिंगन अपना विंड वाला फेंकता था वैसे इसको झुंझरू फुंझरू को फेंकने का और लगने के बाद वो पूरा ब्लास्ट होता है। तो गाइस यहाँ पे मैं पीछे बैक इसलिए जाता हूँ कि मेरा टीममेट बोलता है कि मेरे पीछे ना पूरा स्क्वाड पड़ी है और जोन भी आ गया तो मेरी हेल्प के लिए। सो गाइस मैं उसको हेल्प देने जाता हूँ और पूरी स्क्वाड गिरा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मेरे अच्छे खासे किल हो गए होते तो बस वही रिलोड करके मैं भाग रहा होता हूँ भाग रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि अभी कहाँ जाना है, तो मेरा टीममेट ना वापस जाता है जोन के बाहर जाता है। क्यों जाता है मतलब उसको एमओ की कमी हो जाती है क्योंकि उसके पास एमओ होती नहीं, बोलता है मेरे को एक SMG की गोली चाहिए और मेरे को ग्रीन कलर की गोली चाहिए। तो गाइस मैं उसको बता देता हूँ कि भाई ग्रीन वाली एमओ चाहिए तो मेरे पास से ले जाइए, मेरे पास बहुत सारी है क्योंकि मैं हमेशा बहुत ही सारी रखता हूँ। तो पर SMG की गोलियाँ नहीं थी तो मैंने बोला कि भाई जाके लेके आ गया। सो गाइस यहाँ पे सीन एक और हो गए थे
यहाँ पे मैं चेक करा था क्या मतलब दोनों में अच्छे खासे वो तो लगे हुए के नहीं है, गन्स में सब स्टॉक और फायर का सब ब्लास्ट और वो सब तो लगा हुआ के नहीं, सो सब गाइस अच्छा खासा लगा हुआ था, वही चेक कर रहा था मैं गाइस। और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि कहाँ से भाई कहाँ से मार क्यों आ रहा है, क्योंकि लास्ट में ना स्क्रीन पे मार कर रहा था कि भाई कोई बंदा नीचे से मार रहा है और कोई बंदा ऊपर भाग रहा है, तो बस उसी के लिए मैं कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि नीचे भी बंदे थे और यहाँ पहाड़ी पे भी बंदे थे, तो बस उसी के लिए मैं देख देख कर रहा था कि भाई कहाँ पे बंदा है, और देखो बंदा कहाँ से मिलता है मेरे को, पूरा पीछे से मिलता है मेरे को, पीछे से फायर दे रहा होता है साला, कब से फायर दे रहा होता है छुप जाता है यहाँ पे। और एक तो ये रोबोट इतने पतले होते हैं कि दिखते भी नहीं है, नजीक जाए तब पता चलता है। तो गाइस उसको एक ही फायर में उसका पूरा। सो गाइज यहाँ पे ये तो ऑक्टेन कैरेक्टर था, तो ये ऑक्टेन कैरेक्टर तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, ये तो बहुत ही चालाक बंदा है। और ऑक्टेन कैरेक्टर ना जिसके पास होता है उसको पता होता है कि कैसे ऑक्टेन कैरेक्टर से चालाकी करनी है। सो गाइज यहाँ पे मैं उसको पेटी शेटी बनाने के बाद यहाँ पे जिपरिंग यूज करके मैं नीचे जाऊंगा, क्योंकि गाइज नीचे ना बहुत ही फायर चल रही होती है, मेरा टीममेट नीचे होता है, तो गाइज मैं पूरा जिपरिंग यूज करके यहाँ पे नीचे आता और चेक करता हूँ कि बंदे है कहाँ पे, और मैं मेरे टीममेट को बोलता हूँ सामने देखो पूरी स्क्वाड आ जाती है भागती भागती। और ये गाइस मेरे जैसे ये झाड़िया दिख जाता है मेरे को, तो झाड़े की मैं नॉकआउट करके उसका दूसरा जो टीममेट होता है उसको मैं गिरा देता हूँ और ऑटोमेटिकली दोनों ही गिर जाते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैं उनकी पेटी शेटी लूटता हूँ, देखता हूँ कि उसके अंदर है कि नहीं है। सो गाइस यहाँ पे ना मैं मंगा रहा हूँ तो कि ये क्या, हाँ गाइस यहाँ सो गाइज मैं वो लास्ट में जो मशीन लेगा ना, वो मशीन में से ना लेवल 4 का वेस्ट, लेवल 3 का वेस्ट, ये ना मतलब जैसे अपने में अपने BGM और PUBG में कैसे एयर ड्रॉप गिरते थे, हाँ तो गाइज एपेक्स लेजेंड्स में भी ऐसा होता है कि डायरेक्ट ऊपर से एयर ड्रॉप्स ऐसे आते हैं, मतलब वो स्पेस शटल कैसे आ रहा हो वैसे स्पेस शटल की तरह आते हैं और एक जगह पर गिर जाते हैं, वो पता नहीं होता है कहाँ पर गिरते हैं कोई, क्योंकि मार के नहीं करता है। सो गाइज यहाँ पे ये बंदा बहुत दूर भाग रहा होता है। सो गाइज मेरे को ना किल ज़्यादा चाहिए होती है इसके लिए मैं उसको जोन के बाहर तक उसको फॉलो करता हूँ और उसकी पेटी शेटी बना के आऊँगा। गाइज यहाँ पे मैं चेक करने आता हूँ कि बंदा है कहाँ पे, तो बंदा दिखता नहीं है। सो गाइज यहाँ पे मैं वाटर, वो ये वाटर सिटी है गाइज, अपने पोचिंग की कैसा वाटर सिटी था उसी के माफी ये भी पूरा वाटर सिटी है। सो गाइज यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि इतनी दिन में बंदा कहाँ गया, और मेरे को फायर का बटन आता है बहुत अलग अलग 2-3 जगह से फायर का बटन आता है। सो बस उसी को फॉलो करता हुआ मैं यहाँ पे भागता हूँ, मेरे को पड़ती है पता नहीं कहाँ से पड़ रही होती है, वही चेक करता हूँ पता नहीं चलता मेरे को कि बंदा है कहाँ पे। और देखो बंदा कहाँ पे था, घर के नीचे छुपा हुआ था, और मेरे को अभी भी पता नहीं चलता है, तो मैं अपने एनर्जी शील्ड्स चार्ज करके पूरा फुल स्पीड में भाग रहा होता हूँ जोन के अंदर। सो गाइस यहाँ पे मैं वाइट बुलबुले में आ जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरा एनर्जी लेवल भी डाउन है, तो बस उसी को पूरा चार्ज करके मेरे को वापस पीछे से फुटस्टेप आते हैं। हाँ गाइस ये रोबोट जो घर के नीचे छुपा हुआ था बस उसी की मैं पेटी शेटी बनाता हूँ जिसके पीछे मैं भागा था। हाँ गाइस मैंने देखा ही नहीं होता पहले कि लेफ्ट साइड पर एक बंदा छुपा हुआ है घर के नीचे। सो गाइस आगे जाने पर मेरे को पता चलता है, वो भी पीछे आता है तब पता चलता है। सो गाइस उसकी पेटी में ग्रीन कलर की जो एमो होती है वो निकाल लेता हूँ। सो गाइस मेरे को फिर से एक बार रियलाइज़ होता है कि भाई मेरे को तो वापस एक मैड किट मारनी है, क्योंकि मैंने मैड किट मारी नहीं होती एंड्रिन वापस मैं मार, तो ये झटका देता है अपने आप को। और वैसे मतलब ऐसे सीन होते हैं, मतलब आपके फ्यूचरिस्टिक मूवी में देखा होगा कि कैसे वो लोग अपने मतलब एंड्रिन मारते हैं, बस उसी की तरह ये एंड्रिन मारता है। और देखता हूँ मैं कि मेरा एनर्जी सेल तो अभी भी डाउन है, क्योंकि गाइस मेरा, हाँ गाइस मैं इसीलिए इस तरफ मैं भागा था क्योंकि मेरा टीममेट बोल रहा था कि मेरे पीछे बंदे पड़े और मेरे को पता नहीं चल रहा है कहाँ पे बंदे। सो गाइस ये जो ग्लोबल प्लेयर है वो उसको मारने की कोशिश करता है पर वो मार ही नहीं पाता है उसको। सो गाइस मैं उसको हेल्प करता हूँ और मैं पूरा किल उसी के पास से मैं पूरा किल चुरा लेता हूँ। सो गाइज हाँ गाइज ऐसा नहीं करना चाहिए, बट उससे कुछ बात ही नहीं हो रही थी तो मेरे को गुस्सा आ रहा था, तो मैंने उसका पूरा किल चुरा लिया। सो गाइज यहाँ पे उसका एक और तीसरा टीममेट देखो कहाँ ही भाग रहा था, ये मेरे जैसे झाड़िया कैरेक्टर है, मतलब झाड़िया कैरेक्टर भी अच्छा खासा भाग लेता है, अगर गन पीछे रख के भागो तो देखो कैसे भाग रहा होता है, आता भी नहीं है तो भी कैसे ही नहीं आएगा। गाइज मैंने उसका पूरा पेटी शेटी बना दी होती है। सो गाइस यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ तो कि अभी भी दो बंदे बचे, तो मैं टीममेट को बताता हूँ कि भाई अभी सिर्फ दो ही बंदे बचे, अगर दो बंदे को गिरा दिया तो चैंपियनशिप अपनी है पूरी गेम की। सो गाइस वही चेक करने के लिए मैं दूसरे डायरेक्शन में भागता हूँ और मेरा जो टीममेट है वो दोनों को गिरा देता है। सो गाइस
And guys, please share and subscribe to my channel. So guys, peace out.